कतई हम माने बजे तैयार नहीं कि दालियन में इतना कहा दमक की धरती आसमान टिका के रख दी है। माता पार्वती जी कहली कि हम माने बजे तैयार ना हैं, तो बाबा भोलेनाथ कहलन कि जब माने बजे तू तैयार ना हो, कहलन कि मान जा कहली ना, जबले हमके देखब ना, जबले एकर प्रमाण मिली ना, तबले हम मतबे ना करब। भगवान के अपने भक्त पर विश्वास है, अगर जेकर विश्वास हो ओकर नाय भव से पार हो, जेकर विश्वास ना हो ओकर नाय जिंदगी में कबो पार नहीं हो सके। ऐसे महान दानी को यजमाना पड़ेगा।
बताबा बुढ़िया का रूप माता पार्वती जी और बाबा भोलेनाथ कोढ़ी का रूप जिक्र तन से शरीर से मवाद हर 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 गिरत है छठवे दिने राजा सांग के नगर में पहुंचलन जय जयकार लगौलन छात्र के नगर के गेट पर बैठ गए नगर के गेट पर बैठलन बाबा भोलेनाथ ओई गेट पर बैठ गेलन कलन की जाओ अपने राजा को बता दो कि एक भिखारी आया है एगो सिपाही जाके बतौलस कि राजा साहब एक थे भिखारी तो जरूर आई न लेकिन ओकर तन से इतना आवाज गिरती है इतना माछी बारी ओकर शरीर पर आ ओकरी संगे वो बुढ़िया राजा सुनन बाबू दौड़ते हुए नंगे पाव राजा उन भिखारियों के पास पहुंचा हाथ जोड़ के भिखारी से कलन आप चलिए हमारे दरबार में आप चलिए हमारे दरबार में सब कुछ मिलेगा लेकिन कैसे राजा कथ हुए थे गीत तक लाते इतने ना राजा इतने बड़ी अनमोल बात कर सकता है
कमी नहीं है। बाबा भोलेनाथ कल हे राजा, सोना चांदी रुपया पैसा हीरा जवाहर सब कुछ भरल है। बुढ़िया कलश के सुनो सुनो, बड़ा हीरा जवाहर हमन को देखले बनी है। हमार पति के कोढ़ी देख के हमके बुढ़िया देख के तू लालच धरावत हुआ। हमार पति कोढ़ी ऐसे ना चलिया तोहरे घर में। अपने रानी के बुलावा सबसे बड़ी की साड़ी पहिर के हमारे पति के अपने कंधा पर भेड़िया बैठा के और रसोई घर में लेके चलो, तब हमारे पति चलते। इतनी बात जब राजा सुमन बाबू सोचिए जरा, केहू का मेहरारू अगर केहू आ जाते हित नाथ तो अगर कह देव की चाय बना दे तक दीप तुम्हारा। लेकिन राजा की औरत पतिव्रता जा करके सिपाही बताया कि कोढ़ी एक ऐसी ऐसी सवाल खड़ा कर दिया है। और धर्म पत्नी अपने पति को परमेश्वर जानने वाली नई की साड़ी निकलस पहनलस अनंगे पांव वहां पहुंचल। यहाँ पे कोढ़ी और नगर के खेत पर बैठा था। राजा सोचत हो कि काजरी रानी आई है कि नाई है। आ जब रानी के देखलन राजा मुड़ी झुका ले काजरी रानी हमारे बतिया के बन है कि ना। लेकिन देखा बाबू भैर का ये धर्म पत्नी का धर्म होता है, पति परमेश्वर होता है, पति के चरणों में स्वर्ग है। लेकिन यहाँ गीत बदल गए मास्टर। जो सिपाही भी रहन मास्टर जो है लड़की के देख के उठंडा भाग जाते हैं सरकार भाग जाए तोहरे लिए अपन चला किसी लड़का कलम से खतना हो यार बा। कई सिपाही जी तो एकदम डंडा भाग जाता है कैसे। अरे देखा हो हमारा पति भिखारियों का
इंतजार कर रहे हैं, अगर ये भिखारी कुशिया के चल जाई तो हे भगवान कह दी हमारे पति पास रह, कह दी हम रह, जबले हमार पति ना कह तबले हम उठा ना सके। बाहर धर्म पत्नी हो तो ऐसी देरी ना कहनी बाबू। और कोही रूपी बाबा भोलेनाथ के जकरे शरीर से मवाद गिरत दिया, भेड़िया लद दिया, भेड़िया लेके पहुंचली कहाँ, वो रसोई घर, रसोई घर में आसन लगा के कोही रूपी बाबा भोलेनाथ के बुढ़िया रूपी माता पार्वती के बैठा देली। अब बैठौले के बाद में बाबू रानी गईली, आ रानी गईले के बाद में छपनों प्रकार का भोजन व्यंजन बना करके सोने की थाली में लेके जब रानी चल रही तो बाबू एक ही है गीत बना। Oh.
माँ के आंचल को पकड़ लिया और पांच वर्ष का लड़का कहा कि माँ कोढ़ी और बुढ़िया मेरा मांस खाना चाहती है तो मुझे बोटी बोटी काट करके पका दीजिए, अगर आप और हमारे पिताजी जिंदा रहेंगे तो दूसर का चंदन पैदा हो जाएंगे, लेकिन पिताजी के दरवाजे से भिखारी भिक्षु चले जाएंगे तो हमारे पिताजी की मर्यादा नहीं रहेगी। सोचिए बारह वंश आज इतिहास गाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने माँ के कहने पर 14 वर्ष का वनवास बिताए। एक और पुत्र था सरल कुमार की जो अपने माँ बाप को कंधे पर बैठा करके सारा तीर्थ कराया और पांच वर्ष का लड़का बाबू चंदन कहा कि दूसर का चंदन पैदा होती है लेकिन भिक्षु दरवाजे से जाना नहीं चाहिए। माँ बात सुनकर के बाबू जी अपने कंधे जी को पत्थर बना लेती है, पांच वर्ष के दोनों परानी मिल के अपने बेटवा चंदन के काट, लेकिन कैसे काट फोन मास्टर को हट कर भाई कटले के बाद वो मसिया के पकौलन आ पकौले के बाद रानी फिर लेके कोढ़ी रूपी बाबा भोलेनाथ के सामने रखती है। परम आदरणीय परम पूज्य हमारे इंजीनियर साहब भैया की तरफ से आशीर्वाद स्वरूप बहुत रुपयों का आशीर्वाद भैया रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ हमें रह जाए लेकिन आप लोग के देख लेला के बाद में आप लोग का आशीर्वाद देला के बाद में अपने आप को मैं धन्य हो जाता हूं। ए बाबू राली ले जाके कोढ़ी रूपी बाबा भोलेनाथ के समन्वय अपने बिटवा के काट के और मसिया के पका के ले जाके सोने के थाली में रख दी। कभी बाबा शरीर भोजन कर ली आपकी इच्छा का भोजन तैयार थरिया आगे रख लिया पंचो लेकिन देखा गजब न भीम को का गजब भीम अल्लाह का भाव लगा और थनले
दूसरा संतान है तो बुलाओ तब हम भोजन करेंगे, नहीं तो निपुत्री का हम भोजन नहीं करेंगे। राजा धर 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 रोवे लगलन, राधी हाथ जोड़ के रोवे थी, हे बाबा मजबूर न करी, लाचार मत करी। सात महीने का हमारे राजा का निशानी हमारे पेट में फल रहा है, मैं निपुत्री नहीं हूं बाबा, मेरा भोजन कर लीजिए। राजा की निशानी तेरे कोख में सात महीने का पल रहा है। कहे कि ना बाबा विश्वास करी, हमारे राजा का हमारे पेट में निशानी पलत है। कलन नहीं है, मैं बात मैं मान नहीं सकता, प्रमाण मिलता है बाबूजी। औरतों का पेट कब से फूलने लगा? महाभारत की लड़ाई में पांडव ने अपने भाई बड़े भाई कर्ण को मार करके गिरा दिए थे, लेकिन जो उन्हें समय कुंती मतारी सुंदर की हमारे बेटा कर्ण इस रणभूमि में मारा गया, अपने आप को रोक नहीं पाई, जा करके उस लाशों में अपने बेटे कर्ण की लाश को ढूंढ रही थी। तब तक ये भगवान कृष्ण छलिया सब कुछ जाने वाला वही माई भिष्टि के लेके पहुंच गई। बाप इसको तो खोज रही इस लाशों में। सारी बात को जब बताती है युधिष्ठिर जी श्राप दे दिए कि जाओ, औरतों का जब बच्चा होने का होगा तो ये पेट निकल जाएगा, कोई छिपा नहीं सकता है, नहीं तो पहले औरतन का पेट ना फूले। ए बाबू रानी का पेट एकदम सपाचक जनाते नहा कि सात महीना का बच्चा है। रानी राजा दुर्योधना खड़ा हो गए, घर 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 रोवत हो, क्रोध में तमतमा करके रानी करती है क्या बाबू आखिरी लाइन चढ़ाओ लगा। और खींच करके बाबूजी अपने पेट में चला दी, अब पेटवा के फार दिली, और सात महीना का बच्चा वो धरती पर गिर गया। एक तरफ रानी और एक तरफ वो बच्चा गिर करके धरती पर छटपटाने लगा। इस सीन के जब देखो तब नहीं कहा विदा हृदय विदा रुक सीन दे धरती आसमान के करे दम पर टिकल है, हाथ जोड़े थे। माता पार्वती जी गप देना असली रूप में आती, जब असली रूप में माता पार्वती जी अली तो बाबा भोलेनाथ के भी आवे के पड़ल। आज अलन तो पंचो कैलन तरस दिखाए भोले बोले ले लो गरज इच्छा लेकिन
ऐसा भक्तन का परीक्षा मत ले। नहीं तो अपनी बेटा के काट के ना खियाई, तोहके काट के खा दे। ऐसा परीक्षा मत ले। भोलेनाथ असली रूप में आकर के कहते हैं राजा सांग की जय हो, धन्य हो धन। तू अपनी भगवान की मर्यादा बचा लिया, तू धन्य है, जो मांगना चाहता है मांग ले। होता है आसमान के मार्ग से राजा सांग के दरबार में फूलों की वर्षा हो रही है। पंचो जरा सोचिए, आज विज्ञान लोग बहुत विकास किए हैं, लेकिन बताइए कोई ऐसा लोग है भिखारी के लिए अपने पुत्र के कहीं काट सकता ना? उड़ाई के काट के खाए। बजा दिए डमरू ओ भंगी चंदन जिंदा भइले, जकरे घर में बाघ होले बाघा का डेरा अधेरा नहीं होला कभी। डमरू बजल ना डमडम डमडम डमरू जब बजल, राजा के आदेश देना, राजा अपने पुत्र को बुलाओ, आवाज दो। राजा कहन है महाराज जी का कथी जेकर हम काट के मुड़िया रख ले घरवा में, वो कहां से आ? अरे नहीं आवाज दो, माँ आवाज देती है चंदन। पांच बरस का वो लड़का दौड़ते हुए आकर के माँ के यहाँ चल में लिपट गया। यहीं से कवि की कलम रुकी। आखिरी लाइन के भाव में कहे के पड़े कि गुरु बिहारी रमन में चल